हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और हमेशा की तरह सुबह के बज रहे हैं भाई, 9:30 बजे का टाइम है। तो आज जो है, आज बरसात की तीसरी बारिश है। तो भाई बारिश मैं कुछ दिखाता हूँ आपको बारिश का। तो ये जो है, ये पुल देख सकते हैं, अभी इसको कम से कम भी 3-4 दिन हुए लेंटर को डले हुए, और बारिश ने अपना कहर दिखा दिया। बारिश की तो ज़रूरत है, लेकिन दिखाता हूँ आपको इसको। ये देख सकते हैं आप, जो कि ये पुली थी भाई पहले, ये बिल्कुल तहस नहस के कगार के ऊपर। और सरकार का थैंक्स करते हैं कि जो यहाँ पे सोनाली मार्ग पे पुली डाली है, तो ये अच्छा कार्य है भाई। तो अब थोड़ी सी तंगी आएगी यहाँ पे। और व्यू के बारे में दोस्तों क्या बोलें, बहुत ही अच्छा व्यू। ये देख सकते हैं बरसात का कहर, जो कि भाई किसानों के खेत हैं वो तहस नहस हो रहे हैं अब बारिश की वजह से। और ये यहाँ पर आगे का मार्ग। और गाइस यार, एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बारिश है, इससे चलो घास की तो बात ठीक है, घास वगैरह और फसल जो है वो इससे अच्छी होगी। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम से अगर बारिश होती रहती है तो ज़्यादा ठीक रहता है, अगर भारी बारिश होती है तो फिर भाई नुकसान होने की भी डर रहता है। सो गाइस, अभी तक इतना ही। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो कि इसको बल्ली बोलते हैं हम भाई, पूरी पानी से खचाखच भर चुके हैं खेत लोगों के। तो ये अच्छा संकेत नहीं, जो कि हर किसी के खेत हैं, चाहे बीजे हों या ना बीजे हों, लेकिन भाई ये देख सकते हैं किस तरह का नुकसान। तो अगर मौसम के आगे भाई किसी की भी नहीं चल सकती है, और जो कि रास्ता है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। सो गाइस देख सकते हैं, गांव सोनाली में पहुंच चुका हूं मैं। यहां पे शादी है, लेकिन लोग जो हैं, लोग बहुत परेशान हो रखे हैं आज, क्योंकि 1-2 दिन में शादी है, तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ वगैरह जा रही हैं सामान वगैरह के लिए। तो गांव सोनाली से मैं आपको दर्शा रहा हूँ। और इस साइड को भी ये देखिए, ट्राला लगा हुआ है, जो कि सामान वगैरह लगाना था। तो ये, और पीछे भी गाड़ी देखिए किस तरह से कतार लगी हुई है, लेकिन भाई क्या करें। तो ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस कर दिया है, जो कि खड्ड वगैरह आई हुई थी, रेता वगैरह देखिए। और गाइस आज जो है, आज पल्लू अपने नानके गई हुई है ननिहाल, और नेहा जो है, नेहा ये है यहाँ पे। नेहा हाय। तो भाई अभी को कहाँ है, हैं कहाँ है बिकू, तो पता नहीं, तो भाई बिकू का पता नहीं कहाँ है। और गाइस जो के घर में कटरी थी वो मैंने अभी बेच दी है, तो देख सकते हैं आप, जो के शोभा थी वो बेचती है खाली खुंडा। और इस साइड को ये दूसरी भैंस। तो अभी जो है, अभी मैं एक जगह पे और जा रहा हूँ, अगर देखता हूँ कोई घर के लिए पशु बना तो लेके आऊँगा। तो गाइस व्लॉग में बने रहिएगा, तब तक बाय बाय। वेदर की बात करें तो बादल छाए हुए बारिश कभी भी आ सकती है। हाय गाइस, तो भाई अभी जो है, अभी मैं गांव बुठाणू में पहुंचा हूं, और कुदरत का कहर गांव बुठाणू में, ये देखिए किसानों के साथ। और ये हमारे प्रकाश चंद भाई, भाई पहले तो यूट्यूब फैमिली को हाय बोलो। हाय हाय। तो ये है हमारे दोस्तों को नमस्कार। हाँ। जय हिंद। एक्स सर्विस मैन, अभी तक भाई साल हुआ भाई, 6 महीने अभी तक। और देखिए किस तरह से काम पे टूटे हुए हैं भाई, जो के फौजी लोग होते हैं हमारे भाई, बॉर्डर पे भी हमारी रक्षा करते हैं, और यहाँ पे आप घर पे भाई बहुत काम कर रहे हैं। तो भाई आज के इसके बारे में बोलो कुछ, जो के बारिश हुई, कुदरत ने किया किसानों से खिलवाड़, कुदरत ने सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। हाँ, तो ये भाई प्रकाश का नहरा है, कुदरत ने किया किसानों के साथ खिलवाड़। और वो उस साइड भी आप देख सकते हैं हमारे पंडित जी देशराज भाई, भाई आप भी बोलो हाय। हाँ, तो भाई देखिए किस तरह से चढ़ों का काम पड़ा है बिना। हाँ जी, चढ़े लगे चढ़े लगे, दो दो बार चढ़े का काम हो रहा है, तीसरी बार।
तीसरी बार चला जैसे सो गाइस देखिए तीसरी बार चला काम भाई ये देखिए, और कुदरत का कहर करिश्मा देखिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। निर्माणाधीन सड़क के साथ किया खिलवाड़। हाँ, और ये चाची चाची राम राम, 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 जी राम। तो ये इनकी मदर है भाई प्रकाश चंद भाई की, तो बेचारे ये भी लगे हुए साथ में अपने बेटे के साथ, तो बुरा हाल है ना। बुरा हाल था ना, बड़े तो खुश हैं भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सो भाई गांव उठाणु में से गया था मैं ऐसे ही, लेकिन तो ये भैंस लेके आया हूँ साथ में अपने सुरेश भाई। हाय गाइस, सो भाई अब कहीं जाके घर पे पहुंचा हूँ और सुरेश भाई भैंस लेके आया हूँ तो गांव उठाणु से, जो कि प्रकाश चंद भाई थे जो कि अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास भी है भैंस, तब पता लगा तो गांव उठाणु से भाई भैंस लेके आया हूँ। सो गाइस भैंस के बारे में जरूर लिखिएगा कि आपको भैंस कैसी लगी। सुबह जो कि झोटी थी मेरी असर वो सुबह मैंने दे दी, और ये सोने वाली लेके आया हूँ, अभी तक 2 महीने इसको, तो ये घर के लिए लेके आया हूँ। और ये रही दूसरी, आज आप देख सकते हैं बिक्कू को। हाय बिक्कू घास काट रहा है भाई, देख सकते हैं भैंस के लिए जो कि नई भैंस लाई, घास तो काट रहा है बिक्कू ने, काटी है पूरी डाल है बिक्कू, डाल कर दिया आपने पूरी है, हैं ऊपर ऊपर से काटना थोड़ा ना, रमना काट रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे नेहा ने, नेहा आए, काटो 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 जल्दी काटो, सावस वेरी गुड। हाय एवरीबॉडी, हाय गाइस, तो भाई अभी जो है अभी रात का खाने का टाइम हो चुका है, तो रमना जो है रमना थाली में रोक रही है, और पीछे बिक्कू देख सकते हैं बिक्कू, और यहाँ पे नेहा और पल्लू जो है गाइस, तो वो अपने ताई के पास गई हुई है ऊपर, तो वहां पे खाना खाएगी और हम यहाँ पे खाना खाएंगे। तो फिलहाल अभी 8:30 का टाइम है, और आज गाइस एक बात और बताऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि काम बहुत किया, पहले तो भैंसे वगैरह खरीदी बेची और घर के लिए लेके आया, और अब जो है अब कहीं जाके खाना खाऊंगा। सो गाइस आज का ब्लॉग ये था, और अगर दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद जय भारत जय हिमाचल, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।